अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महक खोखर और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक फेलो एथलीट, मेरे फेलो एथलीट, लेकिन वो पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम का हिस्सा हैं एंड यू नो ही इज़ ऑलरेडी लेफ्ट अ मार्क ऑन ऑल पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस। वो मॉडर्न डे पाकिस्तान क्रिकेट का काफ़ी प्रोमिनेंट चेहरा भी हैं और उनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और उनके पास वही टैलेंट है जो इस वक्त पाकिस्तान टीम को जिसकी ज़रूरत है। इट इज़ मोहम्मद हारिस, थैंक यू सो मच कि आपने हमें ज्वाइन किया और आपने हमें टाइम दिया। मुझे पता है आप लोगों का इस वक्त जो पाकिस्तान और श्रीलंका की टेस्ट सीरीज होने जा रही है उसका कैंप इस वक्त लगा हुआ है, तो आप बताएं कि आज ट्रेनिंग और कैंप के बाद कैसा फील कर रहे हैं आप? अभी तक तो अच्छा फील हो रहा है, जिस तरह का कैंप जा रहा है, सुबह भी प्रैक्टिस होती है, शाम को भी होती है, तो अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है और विल सी लुकिंग फॉरवर्ड के कैसा होता है आगे। तो आपको क्या लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपकी किस एरिया में आई है इस कैंप से? इसमें अगेंस्ट द स्पिन जो मुझे लगता है और स्ट्राइक रोटेशन, इसमें जो मेन दो चीज़ें हैं उसमें इम्प्रूव किया मैंने। पहले मैं स्ट्राइक रोटेशन पे थोड़ा लैग कर रहा था, सिंगल डबल पे मैं लैग कर रहा था, तो अब वो जो चीज़ है वो मैंने इसमें इम्प्रूव की है, लेकिन मज़ीद काम करना पड़ेगा। एक हफ़्ते से कुछ नहीं होता, इनका काम है हमें एक चीज़ प्रोवाइड करना, बाकी काम हमारा काम है उन पर करना। तो स्ट्राइक रोटेशन और स्पिनर्स की बात थी, मैं वही कि इस कैंप में बैटर्स के लिए यही मकसद था कि वो स्पिनर्स के अगेंस्ट उनकी प्रैक्टिस हो, तो आपने ज़्यादा अपने फुटवर्क पे काम किया इस चीज़ के लिए कि ताकि आप स्पिन बॉलिंग को सही तरह टैकल कर सके? इसमें फुटवर्क पे भी काम किया और जो स्वीप शॉट होते हैं, डिफरेंट स्वीप शॉट, रिवर्स स्वीप शॉट और पैडल स्वीप शॉट, और इसके अलावा फुटवर्क पे भी काम किया, एक्स्ट्रा कवर और मुख्तलिफ शॉट्स होते हैं स्पिनर पे जो मारने की, जिससे हम स्पिनर पे टैकल कर सकते हैं या उनको उन पे हावी हो सकते हैं, तो उन चीज़ों पे काम किया। वही मैंने बताया कि एक हफ्ते से कुछ नहीं होता, इन्होंने हमें ये सिनारियो प्रोवाइड किया, बाकी काम हमारा है, इस पर जितना हम वर्क करेंगे तो उतनी हम इस पर अच्छा परफॉर्म करेंगे। डेफिनेटली अच्छा। और आप मुझे अब बताएं कि आपने अपना सबसे पहला सीनियर डेब्यू किया था पिछले साल 2022 में, इंटरनेशनल सीनियर डेब्यू, तो जब आप मैदान में जा रहे थे तो आपको याद है आपको कैसी फीलिंग थी उस वक्त पहली दफ़ा बैट करने? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मुझे एक दिन पहले बता दिया था, तो रात को तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, वो अजीब सी फीलिंग होती है कि यार सुबह क्या करना है, ऐसा होगा ऐसा होगा, बिल्कुल प्रेशर फील होता है। तो जब पहले मैच में तो मेरी बारी नहीं है, दूसरे बारी में 8 जून था, मुझे अभी याद है, जब 10 जून को दूसरा मैच था तो यही महीना था जून का, और जब मैं पहली दफ़ा मैंने पहला कदम रखा तो मुल्तान का जो क्राउड था वो चीखे लगाने लगा, तो वो जो फीलिंग थी वो कभी बयान नहीं कर सकता। मैं पिच तक जा रहा था तो काफ़ी खुश हो रहा था। कि कहा जाता है, माना जाता है कि पाकिस्तान को मिडिल ऑर्डर बैटर्स की काफ़ी ज़रूरत है और यही आपका रोल है, तो आपको क्या लगता है कि अपनी बैटिंग में किधर इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं कि आप पाकिस्तान के उस हिस्सा को ज़्यादा तगड़ा कर सकें, ज़्यादा मजबूत कर सकें? जो मेरी कोशिश है कि मैं डोमिनेंट रहूँ बॉलर पर, एग्रेसिव खेलूँ। मिडिल ऑर्डर में जो बैट्समैन 7 या 8 रन पर ओवर खेलते हैं तो वो ज़्यादा कोशिश कर यही करते हैं कि अपोजिशन पर डोमिनेंट रहे, तो मेरी भी यही कोशिश है कि मैं स्ट्राइक रोटेट को और बेहतर कर सकूँ विदाउट रिस्क, लेस रिस्क में मैं अच्छी परफॉर्म करूँ, स्ट्राइक रोटेट करूँ और अपनी जो हिटिंग स्किल है उसको और इम्प्रूव करूँ। तो इन दो चीज़ों पर मैं काम कर रहा हूँ, आगे इंशाल्लाह वर्ल्ड कप भी आ रहा है, एशिया कप भी आ रहा है, तो इन दो चीज़ों में मैं अप्लाई करूँगा, अप्लाई करेंगे डेफिनेटली। मोहम्मद रिजवान, आप जैसा एक सिमिलर रोल प्ले करते हैं टीम में, तो आप विकेट कीपर बैटर का, तो आप उनसे क्या मदद लेते हैं, क्या मशवरा या क्या राय लेते हैं? जी बिल्कुल, रिजवान भाई से मैं पिछले 4-5 साल से काफ़ी अटैच हूँ, पेशावर में हम एक साथ ही प्रैक्टिस भी करते हैं, विकेट कीपिंग पे भी और बैटिंग पे भी, और जब भी कोई ऐसी इनिंग्स लग जाती है, समटाइम बंदा 0 पे आउट हो जाते हैं, तो रिजवान भाई से भी बात होती है उनसे, वो समटाइम वो रूम में आ जाते हैं, समटाइम मैं उनके रूम चले जाता हूँ, तो काफ़ी बातचीत चल रही होती है विकेट कीपिंग पे भी और बैटिंग पे भी, काफ़ी कुछ सिखाते हैं वो भी और इसको मैं अप्लाई भी करता हूँ, समटाइम तो फ़ायदा होता है। वेरी गुड। और इस वक्त आप टीम में इंस्पिरेशन किससे लेते हैं सबसे ज़्यादा? करंट टीम में तो बाबर भाई है, जिस तरह के वो परफॉर्म कर रहे हैं, नंबर वन बैट्समैन है, रिजवान भाई भी है, बाबर भाई भी है, ये दोनों जिस तरह के परफॉर्म करते हैं तो वो काफ़ी इंस्पायर हूँ करंट टीम में। अच्छा, बाबर आजम की बात करें तो ड्रेसिंग रूम में मैच से पहले, मैच के दरमियान कोई उन्होंने ऐसी बात आपको कही है जो आपके साथ अभी भी आपके दिमाग में बैठी हुई है और आप उसको यूज़ करते हैं एज इंस्पिरेशन और एज मोटिवेशन रोज़? जी बिल्कुल, मैं वर्ल्ड कप में खेल रहा था अगेंस्ट बांग्लादेश और 7 रन रहते थे, मैं आउट हो गया, तो उन्होंने फिर बाद में मुझे ये कहा कि हारिस अगर आप ये मैच फिनिश करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ से ऊपर चला जाता है। फिर दूसरे मैच में मैंने अगेंस्ट सेमीफाइनल में वही गलती की, 2 रन रहते थे, मैं फिर आउट हो गया अगेंस्ट न्यूजीलैंड, तो वो जो बात है वो मेरे जहन में अभी तक है कि यार हारिस आपको फिनिश करना चाहिए, और वाकई ऐसा ही है, जब आप फिनिश करके आते हैं तो उसका अलग ही, उसकी अलग ही फीलिंग होती है, लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस आपने फिर रहता है डेफिनेटली। और आपका बचपन में चाइल्डहुड हीरो कौन था? लाजमी नहीं है कि वो क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट टीम से हो या क्रिकेट से भी हो, कोई भी था?
बचपन में ऐसा इस चीज़ की कोई समझ नहीं थी कि किसी को हीरो बनाना है या ये था वो था, लेकिन बाद में जैसे मैं ग्रो करता गया तो मैं जोस बटलर जो इंग्लैंड के विकेट कीपर हैं वो मैं काफ़ी उनको पसंद करता हूँ, उनकी जो शॉट्स हैं, उनकी बैटिंग, विकेट कीपिंग, फील्डिंग जो भी है, तो जोस बटलर उनकी मैं काफ़ी वीडियोज़ भी देखता हूँ, काफ़ी पसंद है। कोई मुश्किल का सामना आपको करना पड़ा जब आप छोटे थे क्रिकेट के हवाले से? वेल, हम गाँव में थे तो उस टाइम मुश्किल होती थी क्योंकि वहाँ कोई अकेडमी नहीं थी, तो टेप बॉल पर खेलते थे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा जितनी कोई डिफिकल्टी नहीं रही क्योंकि माँ बाप ने हमेशा सपोर्ट किया। फिर वो हमें सिटी आ गए, पेशावर सिटी आ गए, तो वहाँ फिर बाकायदा अकेडमी ज्वाइन की, तो अंडर 16 में बाहर हुए थे, ट्रायल्स में रिजेक्ट हुआ था। इसके अलावा इतनी कोई मुश्किल वगैरह नहीं आई थी अल्हम्दुलिल्लाह। कोई आपके पास कोई ऐसी स्पेशलिटी, कोई स्पेशल टैलेंट है जो क्रिकेट से बाहर आपके पास हो? वो कोई छुपा हुआ टैलेंट भी हो सकता है, कुछ अजीब भी हो सकता है, कुछ भी? स्पेशल टैलेंट तो नहीं कह सकते उसको, बस मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेता हूँ ज़िंदगी के अलावा, यानी क्रिकेट के अलावा और चीज़ों में, और उसको मैं फिर पूरा करता हूँ। मतलब मैं कोई अजीब, यानी कि क्या बहुत अच्छा डांस करते हैं या कुछ कुछ भी हो सकता है इस तरह की कोई चीज़? डांस तो नहीं, स्विमिंग, स्विमिंग आप कह सकते हैं। वेरी नाइस, स्विमिंग ये जो हेड एंड टैलेंट है, या सम टाइम लोग मुझे धक्का देते हैं कि आप डूब जाएंगे, मैं उनके पैरों से निकल जाता हूँ। नाइस। कोई ऐसा स्किल है जो आप जिसमें आप जो आप कोशिश करते हैं कि आप उसमें अच्छा कर सके, कोई स्किल आप अप्लाई करना चाहते हैं? नहीं नहीं, स्पोर्ट्स में नहीं, कोई भी स्किल हो सकता है कि आप सोचते हैं कि काश मेरे पास ये स्किल होता। स्किल तो कोई भी हो सकता है, सही है, लेकिन पीएचडी का जो फिलॉसफी और जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं हमारे पास, वो मैं चाहता हूँ काश मेरे पास होता, अगर इंजरी वगैरह होती तो मैं खुद अपना फिजियोथेरेपी, यानी फिजियोथेरेपिस्ट वाली स्किल्स आपके पास होती। नाइस, वेरी नाइस, वो ऑब्वियसली आपके काम भी आती। आजकल पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के बारे में, उनकी शादियों के बारे में लोग बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं, तो आप बताएं कि आपका कोई इरादा है करीबी वक्त में शादी करने का? जिन्होंने अभी शादी की है उनका बैच था, और उनका बैच गुजर गया, अब हमारा नया बैच आने वाला है जिसमें से वसीम होगा, नसीम होगा, मैं होगा, तो उसके लिए भी 2-3 साल चाहिए। चले, ये न्यूज़ उन्होंने बता दिए 2-3 साल, तो आपको लगता है कि 2-3 साल में आपकी उम्र सही हो जाएगी शादी करने के लिए? अराउंड अबाउट 26-25 हो जाएगी, तो अच्छा होगा, अच्छा होगा कि उस उम्र में मैं कर लूँ ताकि फिर बाद में परेशानी ना हो। हाँ जो ये अच्छा, ये आपने अच्छा जवाब दिया है। क्रिकेट के अलावा कोई और खेल है जो आप खेलते हैं या देखते हैं बहुत शौक से? टेबल टेनिस मैं खेलता हूँ और फुटबॉल मैं देखता हूँ जब वर्ल्ड कप के मैचेस होते हैं। ऐसा आज कोई शौक नहीं है फुटबॉल का, लेकिन मैं देखता रहता हूँ, और टेबल टेनिस में बहुत शौक से खेलता हूँ। अच्छा, वेरी नाइस। तो आप यानी कि जो रैकेट स्पोर्ट्स हैं वो आप जल्दी पकड़ सकते हैं, आप में वो टैलेंट है, ये हिडन टैलेंट है, ये जो वो भी फैंस, आपके फैंस ये जानना चाहेंगे कि बिल्कुल आईज कोऑर्डिनेशन होती है, कोऑर्डिनेशन के लिए खेलता हूं डेफिनेटली। हां, बहुत कोऑर्डिनेशन। अच्छा, और मुझे बताएं कि आपको कोई स्पेसिफिक प्लेयर पसंद है किसी और स्पोर्ट में, कोई और दूसरा एथलीट किसी और स्पोर्ट में जो आपका फेवरेट? क्रिस्टियानो रोनाल्डो काफ़ी पसंद है, जिस तरह के वो उन्होंने परफॉर्म किया हमेशा अपनी टीम के लिए, किसी भी टीम के लिए, जिस तरह की उनकी फिटनेस है, उनका रूटीन है, तो काफ़ी अच्छा लगता है उनको देख के, बहुत पसंद है, वो बहुत मेहनती हैं डेफिनेटली। मुझे बताएं कि आपका शॉर्ट टर्म में गोल क्या है और एक लॉन्ग टर्म गोल क्या है? शॉर्ट टर्म तो अभी एशिया कप आ रहा है और वर्ल्ड कप आ रहा है, तो यही है। लॉन्ग टर्म मैं चाहता हूँ कि मैं कम अज़ कम 20 साल से 22 साल तक मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करूं इंटरनेशनल क्रिकेट में। उसके लिए मेहनत चाहिए होगी, अगर वो मेहनत करता रहूंगा तो मैं इसमें कामयाब हो जाऊंगा, मेहनत नहीं करूंगा तो बाहर हो जाऊंगा। अच्छा, जो आपको नाम दिया गया, आपका निकनेम मिस्टर गूगल, वो आपको कैसा पसंद है? मुझे काफ़ी अच्छा लगता है क्योंकि गूगल के काम तो अच्छे हैं, अगर आप उसमें अच्छा सर्च करेंगे तो अच्छा है, बुरा करेंगे तो बुरा है। तो मिला, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन की वजह से जो गूगल करते हैं वो मैं भी करता हूँ। अच्छा, तो आपको यानी कि बहुत ज़्यादा नॉलेज है? यस, किसी भी चीज़ की नॉलेज चाहिए, इन्फॉर्मेशन वगैरह, तो लोग गूगल सर्च करने के बजाय मुझे कहते हैं यार हारिस कल क्या होने वाला है। तो फिर आपकी टीम के लिए तो ये बहुत ही फायदेमंद होगा कि उनके पास गूगल उनके साथ टीम में। सम टाइम मैच में पूछते हैं क्योंकि मैच में मोबाइल अलाउड नहीं है, तो वो पूछते हैं हारिस क्या होने वाला है, मैं कहता हूँ सम टाइम हो जाता है सम टाइम नहीं। दिस इज गुड, ये एक अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी है। अच्छा, आखिरी बात मैं आपसे पूछूंगी कि जो प्रेशर होता है जब आप मैदान में खेलने जा रहे होते हैं, तो वो आप प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं? आपको पता है कि आपको लाखों लोग देख रहे हैं, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस आपके कंधों पर हैं, तो कहते हैं ना कि प्रेशर एक प्रिविलेज होता है, तो आप उसको एक अच्छे तरीके से देखते हैं, आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? जी बिल्कुल, अगर इसको देखा जाए तो प्रेशर को वाकई में एक प्रिविलेज ही है, और उसको मैं इस तरह हैंडल करता हूँ कि समटाइम मैं सोचता हूँ कि यार ग्राउंड में कोई नहीं है, आप और बॉल है सिर्फ, बॉलर को भी नहीं देखता मैं। समटाइम मैं ये चीज़ भी करता हूँ कि
ना बॉलर भी नहीं है, 11 फील्डर भी नहीं है, ना क्राउड है, कुछ भी नहीं है, बस आप अपने घर में खेल रहे हो, बॉल को देखते जाओ, तो इस चीज़ को मैं इस तरह हैंडल करता हूँ। समटाइम ये काम करता है, समटाइम नहीं करता, अपने पे ही तवज्जो रखता है, यही पे चीज़ है कि खुद पे फोकस करता हूँ, बाहर का नहीं सोचता कि क्या हो रहा है। और आप अभी से अब ये सोचते हैं कि मुझे ये मौका मिला है जो हर किसी को नहीं मिल सकता, तो मैं इसका पूरा फ़ायदा उठाऊँ, तो उससे थोड़ा प्रेशर कम होता है आपका? प्रेशर तो कम नहीं होता, प्रेशर और बढ़ता है। तो फिर उसको सोचने की यहाँ कोशिश करते हैं, उसको ना एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है, लेकिन समटाइम मैंने यही कहा कि समटाइम ये वर्क करता है, समटाइम नहीं करता। तो आप प्रेशर के साथ बेहतर खेलते हैं कि प्रेशर के बगैर? अभी तक जो मेरी इनिंग्स है वो अंडर प्रेशर अच्छी आई है, तो जो मुझे जो चीज़ है अंडर प्रेशर में मैं ज़्यादा फोकस होता हूँ और ज़्यादा परफॉर्म करता हूँ, तो अभी तक मुझे उसमें मज़ा आ रहा है। खाने के आप शौकीन हैं, और आपको आपका सबसे फेवरेट खाना कौन सा है? वेल, हम पठान सबसे ज़्यादा शौक से बारबेक्यू वगैरह, ये जो लैम चॉप्स वगैरह ये चीज़ें होती है, मटन, तो ये काफ़ी शौक से खाते हैं और इसके लिए हम मशहूर भी है, तो मटन वगैरह ये बारबेक्यू ये चीज़ें काफ़ी पसंद है। ओके, नाइस। तो जब आप कैंप में होते हैं तो आपको कोई स्पेसिफिक खाना खाना पड़ता है, देखना पड़ता है कि क्या खा रहे हैं? जी बिल्कुल, इन्होंने प्लान किया होता है, अगर को बैटिंग आज ज़्यादा है, मॉर्निंग में सेशन है तो आपको लंच में ये मिलेगा, अगर इवनिंग में सेशन है तो रात को डिनर में ये मिलता है, तो स्पेसिफिक होता है और वो डाइट के हिसाब से होते हैं हमारे पास माशाल्लाह। वेल क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह जो है, डाइटिशियन है, तो वो सब मैनेज करके देते हैं। अच्छा, और आप मुझे बताएं कि लास्टली वो कौन सा मैसेज है जो आप अपने फैंस को देना चाहेंगे, और कोई ऐसी चीज़ बताएं जो मोहम्मद हारिस के फैंस को उनके बारे में अभी तक नहीं पता? कोई एक ऐसी फैंस को मैं यही मैसेज दूंगा कि अपने अखलाक ठीक करें, अगर आपके अखलाक ठीक होंगे और आप अपने जो भी फील्ड है चूज़ करें, मैं ये नहीं कहता मैं क्रिकेटर तो आप क्रिकेट में आए, किसी भी स्पोर्ट्स को आप ले लें या किसी भी प्रोफेशन को आप ले लें, तो उसमें मेहनत करें, दिल खोल के आप मेहनत करें और अपने अखलाक उसमें अच्छे करें, तो अल्लाह पाक कामयाबी देता है। और जो मेरी चीज़ है ये फैंस को नहीं पता, मैं स्विमिंग अच्छी करता हूँ, तो बस यही क्वालिटी है, अगर किसी को नहीं पता, किसी स्विमर को मुकाबला करने है तो सामने आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया, और ये थे हमारे साथ मोहम्मद हारिस, जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का इस वक्त हिस्सा है, नेशनल टीम का हिस्सा है, और बहुत मज़ा आया इनसे बात करके, एंड यू नो आपने इनको बहुत दफ़ा एक्शन में देखा होगा क्रिकेट की फील्ड में इस पिछले साल में। बट दैट्स इट फॉर नाउ, अंटिल नेक्स्ट टाइम, मेरी महक खोकर की तरफ से अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम।